तो आज हम जुलाई के महीने में आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली है हिंदी भाषा में। वैसे जुलाई के महीने में कुछ बड़ी फिल्में आ रही है जिसका हम सब बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं। लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। नंबर वन पर है औरों में कहां दम था। ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होगी जिसको नीरज पांडे डायरेक्ट किए हैं, जो कि कई औसम फिल्मों को बना चुके हैं। ये इनकी पहली रोमांटिक फिल्म होने वाली है। फिल्म के लीड रोल्स में अजय देवगन, तब्बू, जिमी शेरगिल, शांतनु महेश्वरी, साई मांजरेकर दिखाई देंगी। फिल्म में हमें एक सिंपल सी लव स्टोरी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये डायरेक्टर नीरज पांडे की फिल्म है, तो सिंपल तो पक्का नहीं होगी। फिल्म की स्टोरी अजय देवगन के कैरेक्टर के अराउंड घूमने वाली है, जो कि एक रात को दो बंदों का खून कर देता है जिसके कारण वो जेल पहुंच जाता है। आखिर उस रात को हुआ क्या था, ये हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है औरों में कहां दम था इनकम्प्लीट वर्ड है, पूरा वर्ड है, हमें अपनों ने लूटा औरों में कहां दम था, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये फिल्म 5 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। नंबर टू पर है किल। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड गोरियस्ट फिल्म होगी, ऐसा मेकर्स का कहना है। ट्रेलर लेवल पर ऐसा फील हो रहा है, एक्शन कोरियोग्राफी काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है। ये फिल्म एक आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसके डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट हैं। फिल्म में लक्ष्य लालवानी, राघव जुआल, तानिया मनिकताला नज़र आएंगी। फिल्म की कहानी एक ट्रेन में सेट होगी जहाँ अपना एक सोल्जर अकेले 40 डकैतों से लड़ने वाला है। ये फिल्म जुलाई महीने की छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकती है, मतलब ये फिल्म भी मुंझा की तरह बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो सकती है। किल मूवी 5 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर थ्री पर है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें वरुण शर्मा, सनी सिंह, मंजोत सिंह एंड जस्सी गिल लीड रोल्स में होंगे। फिल्म को समरप्रीत सिंह डायरेक्ट किए हैं। फिल्म 4 बेस्ट फ्रेंड्स के क्रेजी ब्रेकअप ट्रिप के बारे में है। लव रंजन प्रोडक्शन की फिल्म है, तो फिल्म अच्छी निकल सकती है। ये मूवी 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाली है। ओए बॉडी बिल्डर, लात मार। नंबर फोर पर है सरफिरा। सरफिरा फिल्म जुलाई महीने की एक ड्रामा फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार, राधिका मदन, परेश रावल मेन लीड में होंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर सुधा कोंगारा हैं जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म को भी डायरेक्शन दिया था। जी हां, ये फिल्म 2020 में आई बहुत ही प्यारी तमिल फिल्म सोराले पोट्रो की हिंदी रीमेक रहने वाली है, जो कि OTT पर एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म का हिंदी डब्ड उड़ान नाम से आया था जिसको भी ऑडियंस से बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला था। ये फिल्म में सूर्या का एक्सटेंडेड कैमियो रोल होने वाला है, जो कि ओरिजिनल मूवी के लीड हीरो थे। अक्षय कुमार सरफिरा में इन्हीं का रोल प्ले करने वाले हैं। ट्रेलर काफ़ी सॉलिड लग रहा है, तो क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी, ये आप सबको लिख कर बताना है। ये फिल्म 12 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर फाइव पर है काकुड़ा। काकुड़ा एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिस फिल्म को आदित्य सरपोटदार डायरेक्ट किए हैं, जिनकी हाल ही में आई मुंजा फिल्म ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। फिल्म अभी भी थिएटर से अच्छा कलेक्शन कर रही है। अब इनकी एक और कॉमेडी हॉरर फिल्म आ रही है, तो देखते हैं ये फिल्म कैसी होती है। फिल्म में रितेश देशमुख, सोनाची सिन्हा, साकिब सलीम लीड रोल्स में दिखाई देंगे। ये फिल्म 12 जुलाई को Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। नंबर सिक्स पर है इंडियन 2। इंडियन 2 फिल्म तमिल सिनेमा की मच अवेटेड सीक्वल फिल्म है, जो कि 1996 में आई मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन का सीक्वल होगी। फिल्म में कमल हसन एक बार फिर से सेनापति के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म को एस शंकर डायरेक्ट किए हैं, जो कि पार्ट 1 को भी डायरेक्ट किए थे। इस फिल्म का ऑडियंस काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की अनाउंसमेंट 2017 में हुई थी, लेकिन शूटिंग में देरी कोविड की वजह से ये फिल्म बहुत ज़्यादा डिले हुई है। इंडियन 2 के अलावा
अलावा इंडियन 3 भी आने वाली है। जी हाँ, जिसकी शूटिंग लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये फिल्म एक विजिलांटी एक्शन फिल्म होगी जो कि 12 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी और कुछ और भाषाओं में आने वाली है। नमस्ते इंडिया। नंबर 7 पर है एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है जो कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड होगी। जो अटैक 2002 में साबरमती ट्रेन पर हुआ था उसी की ट्रू स्टोरी हमको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ये फिल्म भी 12 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी मल्टीपल लैंग्वेजेस में। साबरमती बर्निंग वाज़। नंबर 8 पर है बैड न्यूज़। 2019 में गुड न्यूज़ आई थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। अब 2024 में बैड न्यूज़ आने वाली है। ये फिल्म बॉलीवुड की आने वाली एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको आनंद तिवारी डायरेक्ट किए हैं। फिल्म के मेल लीड में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क दिखाई देंगे। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है जो कि इंस्पायर है ट्रू इवेंट से। फिल्म में हमें मस्ती, मज़ा और बहुत सारा कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा। फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार हुई है। बात करें फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो ये फिल्म 19 जुलाई के मौके पर देखने को मिलेगी थिएटर्स में। नंबर 9 पर है डेडपूल एंड वुल्वरीन। ये फिल्म डेडपूल फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है जिसकी पिछली दोनों मूवीज काफ़ी मज़ेदार थी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 34वीं फिल्म है। फिल्म की हाइप काफ़ी तगड़ी बनी हुई है। ऑडियंस इस सुपर हीरो फिल्म का काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे। फाइनली ये फिल्म जुलाई के मंथ में आ रही है। फिल्म के लीड रोल्स में रायन रेनॉल्ड्स और ह्यूज जैकमैन डेडपूल एंड वुल्वरीन के रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 26 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में। फाड़ देंगे सबकी, फाड़ देंगे सबकी। नंबर 10 पर है रायन धनुष के डायरेक्शन में बनी एक रिवेंज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड रोल्स में धनुष खुद दिखाई देंगे। इनके साथ एस जे सूर्या, प्रकाश राज, सेल्वा राघवन, संदीप किशन, कालिदास जयराम के साथ कुछ और प्रॉमिसिंग एक्टर देखने को मिलेंगे। ये धनुष की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म है। फिल्म को 100 करोड़ के मैसिव बजट पर बनाया गया है। ये फिल्म रायन के बारे में है, एक यंग लड़का जो कि अपनी फैमिली के मर्डरर्स को ढूंढते हुए क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में घुस जाता है। ये फिल्म अब 26 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में। वैसे क्या आपको पता है बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका साउथ में कॉपी बन चुका है। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग उन फिल्मों के बारे में जान सकते हो। तो ये थी जुलाई के महीने में आने वाली कुछ बड़ी फिल्में। तो आप लोग कौन सी फिल्म का वेट कर रहे हो लिख कर आप सभी को बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।